हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे दिसंबर महीने के सबसे उत्कृष्ट 300 प्रश्न। ये है भाग 3 शुद्ध हिंदी में, मैं आप तक लेकर आ रहा हूं, मेरा नाम है गौरव। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से रहे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर, 48वां विजय दिवस 16 दिसंबर, ये वो दिन है जब हमारा 1971 की जंग में हमारी विजय हुई थी, बांग्लादेश की आजादी के लिए जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और इसका थीम था, विषय था, हम एक साथ हैं, यानी वी टुगेदर। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। गोवा मुक्ति दिवस होता है 19 दिसंबर, ये वो दिन है जिस दिन गोवा को आजादी मिली थी पुर्तगाल से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, यह बर्थडे होता है रामानुजम का, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और इनके नाम पे एक पुरस्कार भी है जिसे बोलते हैं शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। यह मिला था ब्रिटेन के गणितज्ञ एडम हार्पर को, एडम हार्पर। अब देखते हैं श्रद्धांजलियां, इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई। कन्नड़ भाषा के लेखक शेषगिरी राव का निधन हो गया, ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे जो कर्नाटक की भाषा है। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट खिलाड़ी बासिल बुचर का निधन हो गया, और आपको बता दूं दक्षिण अफ्रीका की टीम के नए कोच बने हैं मार्क बाउचर, जो इनके विकेटकीपर हुआ करते थे एक समय। पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी का निधन हो गया। आईडी स्वामी ये हरियाणा से थे और भाजपा के पूर्व सांसद और मंत्री भी थे। न्यूजीलैंड के 3 बार के ओलंपिक चैंपियन पीटर स्नेल का निधन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार ओलंपिक चैंपियन थे, बहुत महान एथलीट थे। केरल के एक पूर्व नेता थॉमस चंडी का निधन हो गया, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। इसके अलावा द गॉडफादर जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता मशहूर डैनी आयलो का निधन हो गया। फ्रांस की अभिनेत्री अन्ना करीना का निधन हो गया, फ्रांस की अभिनेत्री अन्ना करीना। और आपको बता दूं फ्रांस की एक अभिनेत्री और याद रखनी है आपको, जिनका नाम है ईसा बल्ले हुपर्ट, इनको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था। और जाने माने अभिनेता श्री राम लागू का निधन हो गया, ये अभिनेता तो थे ही बहुत अच्छे, साथ ही डॉक्टर भी थे। अब्दुल मजीद तैबोने ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने? पिछले 4 से 5 महीनों में जो भी राष्ट्रपति और जो भी प्रधानमंत्री बने हैं विदेशों के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बने हैं अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति। और यहां पे मैंने सारे नए राष्ट्रपति लिख दिए हैं आपके लिए। बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं मॉक्सवीटसी मासीसी। अल्बर्टो फर्नांडेज ये बने हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। हागे गिंग जॉब बने हैं नामीबिया के नए राष्ट्रपति, हागे गिंग जॉब। फिलिप न्यूसी बने हैं मोजाम्बिक के नए राष्ट्रपति। इथोपिया के इतिहास में पहली बार एक महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है साहले वर्क जेवड़े। गोट भैया राजपक्षे ये बने हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। पृथ्वीराज सिंह रूपण ये बने हैं मॉरिशस के नए राष्ट्रपति। और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट बने हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, महिला है ये, पहली बार एक महिला यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष बनी है उर्सुला वॉन डेर लेन। अब बात करते हैं प्रधानमंत्रियों की, तो आपको मैं सारे प्रधानमंत्री भी बता देता हूं विदेशी जो बने हैं पिछले 3 से 4 महीनों में। यूनान के प्रधानमंत्री बने हैं किरियाकोस मिट्सोटाकिस। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं गोटभैया राजपक्षे के भाई महिंद्रा राजपक्षे। क्यूबा के प्रधानमंत्री 1976 के बाद पहली बार बने हैं मानुअल मारियो क्रूज। सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला हमदोक। फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, 33 साल की है सिर्फ। ओलेक्सी होंचारुक बने हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री। प्रवीण जगन्नाथ बने हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। सोफी विलियम्स ये बेल्जियम के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये भी याद रखिए। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री दोबारा बन गए हैं एंटोनियो कोस्टा। और लेबनन के प्रधानमंत्री बन गए हैं हसन डियाब। तो ये सारे कवर हो गए आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के लिए ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज स्टार्ट करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये शहर है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किस अभिनेत्री को 26वें एनुअल क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया है, और इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया किसने? विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। विश्व डिजाइन संगठन अपने नए वैश्विक कार्यक्रम वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिस का शुभारंभ इन्होंने किस शहर में किया? ये इन्होंने किया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, माइंड मास्टर मतलब जो दिमाग जिसका बहुत तेज होता है, ये किसकी आत्मकथा है?
ये है 5 बार विश्व चैंपियन शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और ये चेन्नई से हैं, यानी तमिलनाडु से हैं विश्वनाथन आनंद। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की? राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कानपुर में हुई, गंगा की सफाई के लिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल ने, यानी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो होते हैं हमारे अर्धसैनिक बल, तो किस बल ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक वैवाहिक वेबसाइट लॉन्च करी है, जहां पे जो मेल और फीमेल अफसर हैं वो आपस में उनकी मैचिंग हो सकती है? ये करी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। और आपको यहां पे बता दूं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है ये असम राइफल के साथ इसका विलय हो जाएगा, और भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस बल है इनके 2 नए कमांड बने हैं अभी, एक बना है चंडीगढ़ में और एक बना है गुवाहाटी में। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें अगर CISF, तो उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करा है जिसका नाम है सिक्योरिटीपीडिया। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, इसके महानिदेशक हैं वी के जौहरी, इन्होंने ऑपरेशन सुदर्शन लॉन्च किया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भारत का पहला बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है उन महिलाओं के लिए जो युद्ध में जाती हैं। तो इन सब कारणों से ये न्यूज़ में थे। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर, जिसे निशान बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निशानी मिलती है, इसको प्राप्त करने वाला देश का 7वां राज्य कौन सा बना? अभी अभी जो भारतीय नौसेना अकादमी है केरल में, उसको भी मिला था ये, तो ये मिला है गुजरात पुलिस को। तो आंसर है गुजरात पुलिस, गुजरात इसको प्राप्त करने वाला भारत का 7वां राज्य बना। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी स्पेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल, ये बनाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय बनाएगा। और यहां पे आपको मैं बता दूं कि कोल इंडिया कंपनी के नए चेयरमैन हैं एके झा। कोल इंडिया कंपनी महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन हैं एके झा। और अगर कोयले का खनन है तो उसमें प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 100% अब अलाउड है। भारत की सरकार ने प्रकाश पोर्टल भी शुरू करा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोयला कम ना पड़े ऊर्जा ताप संयंत्र को। इसके अलावा कोल इंडिया कंपनी ने कोयले के उत्पादन का जो टारगेट रखा है 2024 तक रखा है 100 करोड़ टन, यानी 1 अरब टन। इसके अलावा कोयला और खनन मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटक का धारवाड़। और कोयला मंत्रालय ने यह अनाउंस करा है अगर कोई वर्कर, कोई मजदूर कोयले के खनन के वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये मिलते थे 5 लाख, अब मिलेंगे 15 लाख। किस बैंक ने भारत में ऊर्जा कुशल आवास कार्यक्रम की स्थापना के लिए जर्मन विकास बैंक यानी KfW के साथ $277 मिलियन यानी 27 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? KfW जो जर्मनी का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट शहर है जर्मनी का वहां पे, और फ्रैंकफर्ट में ही हेडक्वार्टर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, ECB बोलते हैं इसे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक। इसकी जो महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं क्रिस्टीन लागार्डे, जिन्हें फोर्ब्स ने कहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर महिला है एंजेला मर्कल के बाद, जो जर्मनी की चांसलर है। उनकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, CDU। और आपको बता दूं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को कई लोग EIB से कंफ्यूज करते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग देश में। तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और भारतीय स्टेट बैंक ने मेलबर्न शहर में अपना ब्रांच खोला है, यानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में खोलने वाला पहला बैंक है ये। चीन में जो BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, जिसे BWF बोलते हैं, जिसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है, विश्व टूर फाइनल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पुरुषों में जीता केंटो ममोटा ने, जो जापान के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में जीता चैन यूफई ने। चैन यूफई चीन की हैं, तो घरेलू खिलाड़ी चैन यूफई ने चीन में आयोजित BWF विश्व टूर फाइनल्स में खिताब जीता, और पुरुषों में जीता केंटो ममोटा ने। टेस्ट और वनडे, अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? पाकिस्तान का बल्लेबाज है, इसका नाम है आबिद अली। आबिद अली को आबे अहमद अली के साथ कंफ्यूज मत करना, जो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं आबे अहमद अली, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। स्टीव बकनर, ये वेस्ट इंडीज के एम्पायर थे जमैका के, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग करने का किसने? स्टीव बकनर ने 128 टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग की, लेकिन अब अलीम दार जो पाकिस्तान के एम्पायर हैं, इन्होंने 129 मैचों में एम्पायरिंग करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। एक शुद्ध ग्रह है बेन्नू। बेन्नू पर नमूना संग्रह के लिए नासा ने किस साइट का चयन किया, यानी उस पर साइट मतलब होता है कौन सी जगह का चयन किया है? तो बेन्नू शुद्ध ग्रह पे जगह है, इसको बोलते हैं नाइटिंगेल, और इसे नमूना लाया जाएगा। नासा का मिशन है, इसका नाम है ओसीरिस रेक्स मिशन। इसी तरह का मिशन एक और है नमूना संग्रह के लिए, जो जापान ने करा है, जिसका नाम है हायाबुसा द्वितीय। बस फर्क इतना है, इसमें जो ग्रह है वो है रियुगु,
और नासा का जो ग्रह है वो है बेनु। लेखक अमिताभ बागची, इनको मिला है दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 का डीएससी पुरस्कार। इन्हें अपने कौन से उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है? अमिताभ बागची को डीएससी पुरस्कार मिला है हाफ द नाइट इज गॉन किताब के लिए, यानी आधी रात बीत चुकी है, हाफ द नाइट इज गॉन। नालको कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है नालको, इसका चेयरमैन कौन बना है? ये बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, इसके चेयरमैन बने हैं श्रीधर पात्रा। और यहां मैंने सारी महारत्न कंपनी लिख दी है आपके लिए, 10 महारत्न कंपनी है। इस साल 2 कंपनी बनी है महारत्न कंपनी, एक तो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दूसरी बनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनके सारे चेयरमैन आप यहां पे लिख सकते हैं, एकदम लेटेस्ट हैं, इनकी वेबसाइट से लिए गए हैं। भेल के चेयरमैन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नलिन शिंगल, भारत पेट्रोलियम के हैं डी राजकुमार, कोल इंडिया लिमिटेड के ए के झा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आशुतोष कर्नाटक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं मुकेश कुमार सुराना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हैं संजीव सिंह, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के हैं गुरदीप सिंह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के हैं शशि शंकर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं के श्रीकांत और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं अनिल कुमार चौधरी। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं, नालको कंपनी ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉपर लिमिटेड के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है काबिल। काबिल को बोलते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और आगे बढ़ने से पहले कुछ गूगल की जानकारी दे दूं, गूगल न्यूज में क्यों था। गूगल की अभिभावक कंपनी जो है उसको बोलते हैं अल्फाबेट। इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सुंदर पिचई। और भी भारत के इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, जैसे अजय बांगा मास्टर कार्ड कंपनी संभालते हैं, इसी तरह से शांतनु नारायण एडोबे कंपनी संभालते हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी संभालते हैं। तो जो भी भारत के व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पदों पर हैं कंपनियों में वो आ सकते हैं। गूगल ने शुरू कराया भारत में जी स्टेशन प्रोजेक्ट। ये है कि जो सार्वजनिक जो जगह होती है पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे फ्री इंटरनेट दिया जाए, ये है जी स्टेशन प्रोजेक्ट। गूगल ने इंटरनेट साथी प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है भारत में कौशल विकास के लिए और डिजिटल साक्षरता के लिए एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया को स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म के साथ कंफ्यूज मत करना, स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म चल रहा है IBM का। गूगल जो है वो एक पानी के नीचे इंटरनेट केबल बिछा रहा है जिसका नाम है एक्वियानो, ये यूरोप और अफ्रीका को जोड़ेगी जिससे अफ्रीका की कंट्रीज में इंटरनेट दिया जा सके। डिजिटल पेमेंट अभियान भारत सरकार के साथ मिलकर गूगल चला रहा है डिजिटल साक्षरता के लिए, क्योंकि गूगल की अपनी ऐप भी है जिसका नाम है गूगल पे, इसको पहले तेज बोलते थे ऐप को और ये काफ़ी अच्छी चल रही है भारत में। गूगल ने भारत के लिए अपना प्रबंध निदेशक बनाया है, हेड बनाया है संजय गुप्ता को, और गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। इन्होंने एक चिप बनाया है, प्रोसेसर बनाया है जिसकी क्षमता है 54 क्यूबिट, जिसका नाम है साइका मोर। और गूगल का एक प्रोजेक्ट और चल रहा है भारत में जिसका नाम है क्राफ्टेड इन इंडिया, इसमें बुनकर और जो कलाकार है उन्हें फायदा होगा। विश्व आर्थिक मंच के लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है 112। वो कंट्री जिसमें लैंगिक असमानता सबसे ज्यादा है वो है यमन, तो यमन उसमें सबसे ज्यादा है वहां पे, और आइसलैंड में सबसे कम है, ये भी याद रखिए। क्या क्या है? आइसलैंड नंबर 1 है और यमन का स्थान है 153। पाकिस्तान है 151वें नंबर पे, यानी नीचे से तीसरा। भारत को भी काफी लंबी दूरी तय करनी है, भारत 112। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी, 50वीं बैठक वो हुई थी डावोस शहर में, और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? मध्य प्रदेश में फिल्म महोत्सव हुआ है और ये खजुराहो में हुआ है। खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को विरासत स्थल है। और मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह भी हुआ है जो ग्वालियर में हुआ है, ये संगीत महोत्सव था 95वां शास्त्रीय संगीत महोत्सव तानसेन समारोह। और तानसेन पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा पंडित विद्याधर व्यास। हाल ही में राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? संतरा त्यौहार, ये 16वीं बार हुआ यहाँ पे, ये है मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हब्तुल्ला और मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, राजधानी है इम्फाल। मणिपुर को अभी इनर लाइन परमिट दे दिया गया है, यानी मणिपुर में जाने के लिए अब आपको इनर लाइन परमिट चाहिएगा। इससे पहले मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता थी, तो मणिपुर भारत का चौथा राज्य बना है जहाँ पे इनर लाइन परमिट अब आपको चाहिएगा। संयुक्त विश्व कुश्ती यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान किसे नामित किया गया है? ये है दीपक पुनिया। दीपक पुनिया है दुनिया के सबसे उत्कृष्ट जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान। किस देश ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो जिसका नाम है सुरैना और ये 100 भाषाएं बोल सकता है और 100 भाषाओं का कम से कम अनुवाद कर सकता है? ये देश है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और ईरान में एक शहर है रामसर। भारत में 27 रामसर साइट है, यानी 27 ऐसी झील हैं जिन्हें रामसर के द्वारा बचाया जाता है। और ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल।
पहला वैश्विक शरणार्थी मंच यानी ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ जनेवा, जनेवा है स्विट्जरलैंड में, शरणार्थियों के लिए वैश्विक शरणार्थी मंच। किस देश की महिला खिलाड़ी हैं लॉरा अलेक्जेंड्रा मार्श, इन्होंने संन्यास ले लिया, ये हैं इंग्लैंड की खिलाड़ी। और इंग्लैंड की एक और खिलाड़ी ने संन्यास लिया जिनका नाम है सारा टेलर, सारा टेलर। इसके अलावा आपको बता दूं स्मृति मंधाना जो हैं इन्हें विजडन इंडिया अलमना क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी। और साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह, उन्हें मिला विजडन इंडिया अलमांग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में। शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्धशतक लगाया, 15 साल की हैं सिर्फ। युजवेंद्र चहल, इन्होंने कंपनी बनाई है कपड़ों की जिसका नाम है चेकमेट, और ये सबसे कम मैचों में 50 T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, ये सबसे कम मैचों में 7000 रन बनाने वाले टेस्ट मैचों में खिलाड़ी बन गए। स्मृति मंधाना और पूनम यादव को इस साल अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। और अगर आपसे पूछें पहली खिलाड़ी कौन थी भारत की जिसने 100 T20 मैच खेले, तो वो है हरमनप्रीत कौर। और अगर पूछें पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 100 T20 मैच खेले, तो वो है रोहित शर्मा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत सरकार हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचा देगी, लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य है 2022 तक भारत के हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगा। हमारे संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और कुछ मंदिर थे जो न्यूज में थे, इनके बारे में आपको फटाफट बता दूं। पाकिस्तान में 1000 साल पुराना मंदिर है जो जब से बंद है तब से पाकिस्तान बना था, तो ये मंदिर बंद है। इसका नाम है श्वाला तेजा सिंह मंदिर, अब इसे खोल दिया गया है हिंदुओं के लिए, ये सियालकोट में है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जो हमारे होयसला के मंदिर हैं इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाए। इससे पहले कर्नाटक में हम्पी के मंदिर और पट्टाडकल के मंदिर, उनको ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। नेपाल ने एक मंदिर बनाया है भारत की सहायता से जिसका नाम है बुद्ध नीलकंठ नारायण मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ नारायण मंदिर। वैष्णो देवी को भारत का सबसे साफ धार्मिक स्थल का पुरस्कार मिला, कटरा में है ये, और दिल्ली से कटरा ट्रेन भी चली, वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी। पंच अमृतम प्रसाद मिलता है तमिलनाडु के पलनी जगह पे मुरुगन मंदिर में, इसे मिला है भौगोलिक संकेतक। किस पंचायत ने देश में अंत्योदय योजना को लागू करने में नंबर वन स्थान हासिल किया है? सारी ग्राम पंचायतों में नंबर वन है मोलूगाम बूंदी पंचायत, ये तमिलनाडु की पंचायत है। और दूसरे नंबर पे है बम भनिया है गुजरात के भावनगर में, गुजरात के भावनगर में। और भावनगर में CNG टर्मिनल बना है अभी अभी पहला। और एक बात और याद रखिए, गुजरात का गांधीनगर शहर जो है वो केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया गया है। गांधीनगर राजधानी है गुजरात की और अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। और गुजरात का बालासिनोर पुलिस स्टेशन जो महीसागर जिले में है वो भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन है अबरडीन अंडमान निकोबार के बाद। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह कहा है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक दिव्यांग व्यक्ति तो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी अनिवार्य कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को कहा है कि वो प्राकृतिक खेती करें, तो इसके लिए योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। MSME लघु मध्यम और छोटे उद्योग जो भारत के हैं उनका जो मंत्रालय है, तो जम्मू कश्मीर की उग्रवाद प्रभावित महिलाओं के द्वारा उत्पादित किस उत्पाद को इन्होंने लॉन्च करा है MSME मंत्रालय ने, यह है खादी से बना हुआ रुमाल, इससे रोजगार सृजन होगा इन महिलाओं के लिए। सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस राष्ट्रीय आउटरीच प्रोग्राम को शुरू करा है जिसके तहत अधिक से अधिक स्थानीय विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा कि वो आके विक्रय करें इस प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है GEM संवाद। हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक तारा है, एक तारे का नाम भारत की किस महिला वैज्ञानिक के नाम पे रखा है? इससे पहले एक ग्रह का नाम रखा था पंडित जसराज के नाम पे, ये है भीभा चौधरी। भीभा चौधरी बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पाई मेजोन पार्टिकल जो अणु के अंदर होता है, परमाणु जो जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर होता है अणु के अंदर, उसकी खोज की थी पाई मेजोन पार्टिकल की। केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जिसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? पहले 2020 में खत्म होनी थी, अब 2022 में खत्म होगी, ये है अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरों में तब्दीली के लिए। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की जो 6 अधिकृत भाषाएं हैं उनमें एक है अरबी भाषा, इसके लिए दिवस होता है 18 दिसंबर। और आपको मैं सारे बता देता हूं 6 भाषाएं कौन सी हैं अरबी भाषा के लिए 18 दिसंबर। चीनी भाषा मैंडरिन बोलते हैं 20 अप्रैल, इंग्लिश और स्पेनिश के लिए 23 अप्रैल, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा के लिए 20 मार्च और रूसी भाषा के लिए 6 जून। इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर यानी भारत का सबसे अच्छा जो पुलिस वाला है जो साइबर में महारत है वो कौन है? CBI अफसर है, इनका नाम है बीपी राजू। राज्य में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने जल साथी योजना शुरू करी? इससे पहले इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन भी शुरू किया था, बात हो रही है ओडिशा की। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत वंदना पार्क की आधारशिला रखी? भारत वंदना पार्क बन रहा है द्वारका में, द्वारका है नई दिल्ली में, तो आंसर है नई दिल्ली। किस राज्य ने कृषि नीति को मंजूरी दी है जिसका नाम रखा है समृद्धि? समृद्धि एक रास्ता भी है मुंबई से नागपुर तक हाईवे, उसे भी समृद्धि बोलते हैं। इसका नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा और ठाकरे खानदान में पहले जो व्यक्ति हैं ठाकरे खानदान में जिन्होंने चुनाव लड़ा वो हैं आदित्य ठाकरे। इन्होंने चुनाव लड़ा था वर्ली से और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे उसके लिए माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो समृद्धि योजना शुरू करी है ओडिशा की सरकार ने। इन्होंने मधु ऐप भी बनाया है ई लर्निंग के लिए और सूरज ऑर्गन डोनेशन अवार्ड भी शुरू करे हैं, अंगदान पुरस्कार। अब्राहिम कोशी समिति का गठन किसने किया है? इसका किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। अब्राहिम कोशी समिति जो है वो बनी है लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए बनी है अब्राहिम कोशी समिति। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। शशि थरूर को अकादमी पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी किताब के लिए? इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ये किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये इस बारे में है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा। प्रधानमंत्री मोदी की लिखी हुई किस पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लोकार्पण किया गया? ब्रेल भाषा होती है दृष्टिहीनों के लिए। ये किताब है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में इनर लाइन परमिट को लागू करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया? ये राज्य चाहता है इसको इनर लाइन परमिट मिले, गृह मंत्रालय ने अभी नहीं दिया है। ये राज्य है मेघालय। जैसा मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अब मणिपुर को मिला है इनर लाइन परमिट, मेघालय को नहीं मिला है। मेघालय में 2022 में राष्ट्रीय खेल भी होंगे और मेघालय में हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच युद्धाभ्यास भी हुआ। अपहरण नाम का एंटी हाईजैकिंग युद्धाभ्यास ये कौन से बंदरगाह पर किया गया? अपहरण किया भारतीय, ये युद्धाभ्यास किया भारतीय नौसेना ने और भारतीय तटरक्षक ने, और भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह और भारतीय तटरक्षक के हैं के नटराजन। ये हुआ कोची केरल में। कोची में ग्लोबल आयुर्वेद समिट, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन भी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की जो एक दिवसीय और T20 दोनों टीमों में भारत की किस महिला खिलाड़ी को जगह मिली? जो खिलाड़ी जिन्हें जगह मिली है एक दिवसीय और T20 दोनों टीमों में वो है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। और आपको बता दूं जो ICC के द्वारा साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी का पुरस्कार जिन्हें मिला है वो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलाइस पेरी। इस पुरस्कार को क्या बोलते हैं? इसका एक नाम है रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड। रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड। और पुरुषों में अभी मिला नहीं है किसी को, लेकिन पुरुषों में जो पुरस्कार मिलता है ICC के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी, उसे पुरस्कार को बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार। गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। गारफील्ड सोबर एक बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज के। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल जो भूटान और नेपाल बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है उसकी 56वीं वर्षगांठ मनाई गई 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ये अमेरिका की है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसका निदेशक किसे चुना गया है? एक भारतीय को चुना गया है, भारत के व्यक्ति को, भारतीय को, सेतु रमन पंचनाथन। एक व्यक्ति और याद रखिए जिसका नाम है षणमुग सुब्रमण्यम। इन्होंने विक्रम लैंडर जो खो गया था उसे पा लिया। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा करी है? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार पुर्तगाल लॉन्च करेगा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, और पुर्तगाल के एक व्यक्ति हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा है यूरो। राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान ने अभी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान कौन से विश्वविद्यालय के साथ मिलकर? यह है बर्मिंघम विश्वविद्यालय जो ब्रिटेन का है, और बर्मिंघम विश्वविद्यालय में ही गुरु नानक पीठ का उद्घाटन किया था हरदीप सिंह पुरी ने। और आपको यहां यह भी बता दूं कि भारतीय रेलवेज ने अपना वित्तीय प्रबंधन संस्थान बनाया है हैदराबाद में, और यूनानी चिकित्सा चर्म रोगों के लिए उसका संस्थान भी बना है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। भारत में वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। ये है वीर चक्र विजेता अभिनंदन वर्तमान, तमिलनाडु के हैं अभिनंदन वर्तमान, विंग कमांडर। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर का नाम बताएं। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं वसीम जाफर, ये विदर्भ के लिए खेलते हैं। किस देश ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहन पोत उसका उद्घाटन किया जिसका नाम है शानडोंग? इससे पहले इनका एक और विमान वाहन पोत है जिसको बोलते हैं लियाओनिंग। अब है शानडोंग, ये बात हो रही है चीन की। भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको बोलते हैं INS विक्रमादित्य, ये हमने रूस से खरीदा था।
इसके अलावा चीन न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि चीन में 2022 में खेल होंगे कौन कौन से, एक तो होंगे हंग जाओ शहर में एशियाई खेल और एक होंगे बीजिंग में शीत ओलंपिक। इसके अलावा चीन साइबेरिया से गैस खरीदेगा रूस में, साइबेरिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये पाइपलाइन आएगी साइबेरिया से चीन में। और भारत और चीन के बीच युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड मेघालय में हुआ। सबसे ज्यादा जो राजनयिक पोस्ट हैं पूरी दुनिया में वो चीन की हैं, भारत का स्थान है 12। और मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 के जो हुए थे वो वुहान में हुए थे चीन में। चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से ममल्लापुरम में मिले थे, अभी अभी गैर औपचारिक वार्ता थी दूसरी, पहली हुई थी चीन के वुहान में 2018 में। भारत के डिजिटल राज्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य भारत में सबसे डिजिटल है, डिजिटल में सबसे नंबर वन पे है छत्तीसगढ़, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है हरियाणा। किस राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च कराया अभी अभी जिसका नाम है ई कॉप, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? ई कॉप को मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करा है। मध्य प्रदेश में रतापनी नाम का नया टाइगर रिजर्व भी बनाए। कौन सी कंपनी ने मड्रिड में स्थित क्लाउड गेमिंग कंपनी प्ले गीगा को खरीद लिया है? प्ले गीगा का अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। और एक बात याद रखिए, मड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और कॉप 25 जो बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन की वो मड्रिड में हुई थी। इसके अलावा गूगल ने खरीदी एक और कंपनी जिसका नाम है फिटबिट, और गूगल का जो क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसे बोलते हैं स्टाडिया। एक और प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसको बोलते हैं एंथोस। गूगल की अभिभावक कंपनी है अल्फाबेट, अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचई। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत की एकमात्र सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? इसके चेयरमैन बने हैं देवेश श्रीवास्तव। अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति हैं। महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? इम्पीचमेंट हुआ था सबसे पहले एंड्रू जॉनसन का, दूसरे थे बिल क्लिंटन और तीसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। एशियाई विकास बैंक भारत के किस राज्य को 49 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रहा है वहां की सड़कों के उन्नयन के लिए, सड़कों में सुधार के लिए 490 मिलियन यानी 49 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मिलेगा मध्य प्रदेश को। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं नए मसात सुगु असाकावा। किस देश के ETRSS नाम के सैटेलाइट उपग्रह का प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन ने किया? चीन के साथ मिलके अभी अभी ये किया है समझौता, तो इथोपिया का उपग्रह है ETRSS। इथोपिया के एक व्यक्ति हैं टेड्रोस आधानोम और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। इथोपिया में डलोल झील मिली है जहां पे कोई जीवन संभव नहीं है, राजधानी है एडिस अबाबा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अगले कितने वर्षों में हुनर हाट का आयोजन करेगा 100 से अधिक? तो अगले 5 वर्षों में करेगा हुनर हाट का आयोजन। इसमें जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो बुनकर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो वीवर हैं, इन सबको फायदा होगा हुनर हाट। हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और हज कोटा जो भारत का है वो है 2 लाख। भारत से 2 लाख लोग सरकारी खर्चे पे सब्सिडाइज्ड हज की यात्रा कर सकते हैं। कंबाला खेल जिस पर एक संग्रहालय बन रहा है ये कौन से राज्य का खेल है? ये भैंसों की रेस होती है कंबला, ये होती है कर्नाटक में। तमिलनाडु का खेल है जिसको बोलते हैं जलीकट्टू। आंध्र प्रदेश का है मुर्गों की लड़ाई, और बुलबुल पक्षी की लड़ाई होती है असम में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने महिला विश्व चैंपियन का खिताब किसे दिया है? महिला विश्व चैंपियन है एशले बार्टी, और महिलाओं में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी है एशले बार्टी, और ऑस्ट्रेलिया ने द डॉन पुरस्कार भी दिया है एशले बार्टी को। फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने राफेल नडाल के साथ। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आपको बता दूं राफेल नडाल को मिला है पुरुष विश्व चैंपियन का खिताब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ से। महात्मा फूले शेतकारी कर्जा मुक्ति योजना किस राज्य ने शुरू करी है? इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव ठाकरे, और इसमें 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, यह है महाराष्ट्र के द्वारा महात्मा फूले शेतकारी कर्जा मुक्ति योजना। कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों ने एक नई मुद्रा बना ली जिसका नाम है एको? एको को बनाया है 8 अफ्रीकी देशों ने। यह उपग्रह चीन ने कौन से देश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है? इस उपग्रह का नाम है CBERS-4A। यह चीन और ब्राजील ने मिलकर बनाया है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है जहां पे ब्रिक्स सम्मिट हुआ था, और ब्राजील के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी 2020 में, जायर बोल्सोनारो। ब्राजील जाने के लिए भारत को वीजा भी नहीं चाहिए। हाल में किस देश के द्वारा अंतर अनुशासनात्मक नेतृत्व को बढ़ाने के लिए इको नेटवर्क लॉन्च किया गया है जिससे पर्यावरण पर शोध बढ़ाया जा सके? एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण पे शोध अनुसंधान किया जा सके, ये करा है भारत ने। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में बलात्कार के मामलों को त्वरित निपटाने के लिए किन 2 न्यायाधीशों की निगरानी में एक समिति का गठन करा है? ये 2 न्यायाधीश कौन से हैं? एक तो है सुभाष रेड्डी और एक है एम आर शाह। तो आंसर है ए और बी, सुभाष रेड्डी और एम आर शाह। रुचि सोया कंपनी के चेयरमैन कौन बने हैं? रुचि सोया को पतंजलि ने खरीद लिया है, तो रुचि सोया के चेयरमैन बने हैं आचार्य बालकृष्ण। क्रिकेट फॉर गुड ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है उसकी
उसने किस संस्था के साथ साझेदारी करी है। क्रिकेट फॉर गुड में महिला सशक्तिकरण किया जाएगा क्रिकेट की मदद से। यूनिसेफ ने पार्टनरशिप करी आईसीसी के साथ। आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं मुस्तफा कमाल, चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और सीईओ हैं मनु साहनी। भारतीय रेलवे ने कौन से रेलवे स्टेशन पर मशीन लगाई है जो पानी बना सकती है हवा से? ये लगाई है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे, जो साउथ सेंट्रल दक्षिण मध्य रेलवे में आता है सिकंदराबाद, और तेलंगाना में है और इसी से कटके एक नया रेलवे जोन बना था साउथ कोस्ट रेलवे दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। सिकंदराबाद भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन रेटिंग दिया गया था। तो ये थे हमारे दिसंबर महीने के सबसे उत्कृष्ट 300 प्रश्न का भाग 3। अब हर हफ्ते वीडियो आता है, पहले महीने में 2 आते थे, महीने में 4 आते हैं, जिससे आप कम कम करके ज़्यादा हासिल कर सकें, ज़्यादा रिविजन कर सकें। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी आईक्यू प्रीमियम।